से भाजपा के अध्यक्ष प्रभात जाबर जो आपने आरोप लगाया था कि सीहोर में उनकी जमीन है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर? और अभी प्रभात जा का ये कहना है कि सांसद सज्जन सिंह वर्मा 7 दिनों के भीतर माफ़ी मांगे, तो क्या लगता है आपको, क्या प्रमाण है आपके पास इस बात की? मैं तो तमाम सारी भाजपा पे आरोप लगा रहा हूँ कि सीहोर जिले की उन गरीबों की जमीन जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जिन्हें पट्टे की भूमि मिली है, एक पूर्व राज्यपाल भाजपा समर्थित सैकड़ों एकड़ भूमि उन्होंने खरीदी, ये तो हम लोग जागृत हो गए तो आपत्ति लगाई, तो कल अभी उसकी रजिस्ट्री पे रोक लग गई। झा साहब पे मैंने आरोप लगाया था कि उनके परिवार में भी इस तरह की भूमि का लेन देन विक्रय हुआ है, जिसके कुछ प्रमाण मेरे पास हैं। मेरे एक कार्यकर्ता जो सीहोर के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है कुलदीप सेठी, आज से 2 महीने पहले मैंने RTI लगवाई थी, लेकिन जब प्रभात झा को पता चला, मुख्यमंत्री को पता चला, तो कलेक्टर और प्रशासन पे दबाव डाल के उस RTI का जवाब आज तक नहीं दिया गया। मैं आज ही कलेक्टर सीहोर से प्रभारी मंत्री विजय शाह और मैं खुद मिल के आ रहा हूँ, विजय शाह भी मौजूद थे, कलेक्टर को मैंने वो आवेदन की कॉपी दी पुनः 2 महीने पहले जो दिया था, कि ये RTI मुझे तत्काल दिलवाई जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि RTI के कागज नहीं निकल पाए, प्रमाण नहीं निकल पाए, ये कोशिश प्रभात झा साहब ने की है। और जो ये कह रहे हैं कि 7 दिन में मैं माफ़ी मांगूँ और मेरे घर के आगे धरना देंगे, ये बिहार से आया हुआ व्यक्ति पता नहीं किस विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। जब उन्होंने अजय सिंह राहुल विपक्ष के नेता हमारे कांग्रेस के सीधी में उनको आरोप लगाया कि सीधी में चुरड़ में उन्होंने जमीन दलितों की आदिवासियों की दबाई है, तब उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं प्रभात झा के घर के आगे धरना दूंगा, उन्होंने तो जो उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने कोर्ट में मानहानि का दावा ठोक दिया। प्रभात झा साहब को यदि लगता है कि मैंने गलत बयानबाजी की है तो मेरे खिलाफ वो कोर्ट में जाए। ये परंपरा इस मध्य प्रदेश की शांति का टापू, इसकी परंपरा है, बिहार से आगे व्यक्ति क्यों बिगाड़ रहा है? 1 महीने का कार्यकाल भी इसका बचा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप पाक साफ और पवित्र हैं तो कलेक्टर सीहोर को फ़ोन लगा के बोल दीजिए, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, कि जो 2 महीने पहले RTI लगाई गई है कुलदीप सेठी के द्वारा, उसकी जानकारी तत्काल दे दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या 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 दावा है सीहोर में झा साहब की, किस परिजन की? देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि RTI जो केंद्र सरकार ने एक नया कानून ला के दिया, इससे बहुत सारी बातें भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। मैं भी ये चाहता हूँ कि RTI के माध्यम से जो कागजात मुझे मिले, मेरे पास अभी कागज उपलब्ध है, तमाम सैकड़ों लोगों के नाम है भाजपा के, तमाम लोगों के नाम है जिन्होंने दलितों की जमीन, पट्टे की जमीन खरीद ली है बिना कलेक्टर की परमिशन के। तो मेरा अनुरोध ये है कि RTI से वो कागज निकल जाए, प्रभात झा के परिवार का भी एक नाम उसमें है जिसकी जानकारी मुझे, और मैंने ये अपने बयान में कहा था कि RTI से जब वो कागज निकल जाएंगे तब मैं पुख्ता जानकारी के साथ पत्रकारों के बीच में इस बात को रखूंगा। नाम RTI कागज नहीं निकले तक नहीं देता। साबित हो जाती है कि प्रभात झा के किसी परिजन के वहाँ भूमि है, और जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपके खिलाफ बयानबाजी की, फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? मेरा अगला स्टेप, मैं तो अभी यदि वो मेरे घर आएंगे तो उनको चाय भी पिलाऊंगा, हार भी पहनाऊंगा, और वो चाहेंगे तो एक मूर्ति भी मेरे घर के आगे उनकी लगा दूंगा। मेरा अगला स्टेप ये है कि यदि उनके परिवार का RTI सही RTI की जानकारी मुझे दे दी गई, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करेगी कि माइनिंग से लेके भू माफिया सब चीज़ तो इनके पास है। भू माफिया भी BJP के हैं, माइनिंग माफिया भी BJP के हैं, अनाज घोटाले में भी तमाम BJP है, तो ये हम जनता के सामने इनके काले चेहरे उजागर करेंगे। भैया, ये तो रही राजनीति की बात, कल मुख्यमंत्री ने पूना में टाइम मैगजीन ने अंडर अचीवर कहा है प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने उसकी मुखालफत की है, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। इस बयान को किस रूप में आप? ये एक स्वस्थ परंपरा राजनीति के अंदर जो कालापन प्रभात झा ला रहे हैं, शिवराज कम से कम ये नहीं कर रहे हैं कि एक राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति को जो प्रदेश के शीर्ष पद पे बैठा है उसके खिलाफ कोई विदेशी पत्रिका यदि इस तरह का आरोप लगाती है, इस तरह का प्रमाण पत्र देती है, तो ऐसे विदेशी ताकतों का मुकाबला चाहे कांग्रेस हो, भाजपा, सपा, बसपा, सब ने, सारे दलों ने मिलकर इस चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए।
तो ठीक परंपरा का निर्वहन शिवराज जी ने किया। प्रभात जाके उस बयान का जवाब क्या किस शब्दों में देना चाहेंगे अभी आप? मैंने कहा तो सही कि वो आरटीआई जो मेरे कार्यकर्ता ने लगाई है, कलेक्टर को फोन कर दे, कलेक्टर दबा हुआ उनके दबाव में कि वो आरटीआई की जानकारी 2 महीने हो गए, कल ही दे दे मुझे, तो कल दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, नहीं तो मैं तो उनकी मूर्ति अपने घर के आगे लगवा दूंगा यदि वो आएंगे। प्रभात झा कलेक्टर पे दबाव बना रहे, निश्चित रूप से भाई 2 महीने तक क्यों नहीं मिली आरटीआई की जानकारी, क्यों नहीं दी जा रही? 20 दिन में मिल जाना चाहिए, इसलिए नहीं मिल रही कि उसमें कहीं ना कहीं उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, और एक भूतपूर्व राज्यपाल जो बीजेपी के समर्थित है उनके खिलाफ तो तमाम समाचार पत्रों ने सब प्रमाण छाप भी दिया है कि 350-400 एकड़ भूमि पट्टों की उन्होंने खरीद ली है, उसकी रजिस्ट्री रुक गई। नाम तो अब वो कागज में आप वीडियो भी तो नहीं।